But I need to tell you something. हेलो गाइस, वेलकम टू देजी मेडी न्यूज। तो गाइस, आज की न्यूज आपके लिए काफी कमाल की होने वाली है, जो कि स्पाइडरमैन के फैंस है, जो कि वेनम के फैंस है। जी हाँ, अभी हाल ही में सैन डिएगो कॉमिक कॉन में टॉम हार्डी और उनके डायरेक्टर और रिच अहमद, ये आपस में तीनों बात कर रहे थे और तुरंत डायरेक्टर ने कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन दी आपस में जो कि काफी कमाल की थी, और उन्होंने इस चीज को ट्वीट भी कर दिया। तो वो ट्वीट काफी कमाल का है, और वो ट्वीट था एक्चुअल में फेस ऑफ का, यानी कि वेनम का जब सेकंड पार्ट आएगा, तो सबसे पहला स्पॉइलर तो आपके लिए ये हो गया कि वेनम का सेकंड पार्ट आएगा और उसमें वेनम और हमारे स्पाइडरमैन यानी कि टॉम हॉलैंड का फेस ऑफ होने वाला है। तो उन्होंने ये बोला है कि वो मार्वल स्टूडियो से बात करेंगे और 100% कोशिश करेंगे कि टॉम हॉलैंड यानी कि स्पाइडरमैन और वेनम एक साथ दिख सके वेनम 2 में, और उनका एक फेस ऑफ हो। तो ये फेस ऑफ इतना कमाल का होने वाला है, इसलिए मैंने ये सारी इमेजेस स्पाइडरमैन 3 की यूज करी है, जैसा कि आप देख रहे होंगे। तो मुझे काफी टाइम से उम्मीद थी कि कभी ना कभी तो हमें वेनम और स्पाइडरमैन एक साथ देखेंगे, और फाइनली वेनम 2 में शायद वो पॉसिबल हो सकता है। अब देखते हैं कि मार्वल स्टूडियो रिच अहमद और ये टॉम हार्डी की और डायरेक्टर की बात पे एग्री हो जाए और एक फेस ऑफ हमें देखने को मिले काफी कमाल का और जबरदस्त। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये फेस ऑफ कैसा लगेगा स्पाइडरमैन वर्सेस वेनम। बट मुझे लगता है इन दोनों में लड़ाई के साथ साथ प्यार मोहब्बत भी होगी। कहने का मतलब है ये बहुत अच्छे दोस्त बनेंगे और देन अदर विलेन से लड़ेंगे एक साथ मिलके टीम अप की तरह। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देख रहे, या तो उस पे हल्के हाथ मारो या पैर मारो, सब्सक्राइब करो। बाय बाय, जा रहा हूं।